नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज हमारे साथ है आइशर की 6019 13.5 मीटर स्लीपर बस चेसिस, और आइशर के द्वारा ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। 13.5 मीटर में फाइनली आइशर ने अपनी नई स्लीपर कोच चेसिस को लॉन्च कर दिया है। ये देख सकते हैं फ्रंट जो है इसमें अच्छे से बनाया गया है, यहाँ हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, साथ ही साथ जो फ्रंट काउल है वो भी काफ़ी यहाँ पर बढ़िया बनाया गया है। इस बस में आपको 240 एचपी का इंजन मिलता है, और हमारे बगल में जो आप देख सकते हैं ये 6016 है, ये जो बस है इसमें आपको 210 एचपी का इंजन मिलता है, और इसमें आपको 240 एचपी का मिलता है। ये 13.5 मीटर है, लेंथ के साथ साथ इंजन भी बढ़ा है, ना कि अशोक लेंड जैसा कि उन्होंने सिर्फ लेंथ बढ़ाया, इंजन बढ़ाया नहीं है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। इसके फ्रंट एक्सल पर आपको एयर सस्पेंशन दिया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एसी को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर एसी पुली दी गई है, जहाँ पर डोर बन सकता है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से इन्होंने गाड़ी को बनाया है। और इस बस के टायर्स की बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है 295/80 R21.5 सेक्शन के टायर्स, जो बहुत सारे बसेस में कॉमन है, मतलब जो स्लीपर बसेस होती है, बड़ी स्लीपर बसेस, उनमें कॉमन साइज़ है। इसमें आपको मिलता है 24 वोल्ट बैटरी सेटअप। ये देखिए यहाँ पर इसका बैटरी कट ऑफ स्विच है, ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। अगर गाड़ी यूज़ में ना हो, इसे आप ऑफ करके बैटरी का कट ऑफ कर सकते हैं। क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है? यहाँ पर कुछ अटैचमेंट का बॉक्स मिलता है आपको, यहाँ पर है इसका स्पेयर व्हील। इसके रियर एक्सल पर भी आपको मिलता है एयर सस्पेंशन, ये खासकर स्लीपर बसेस के लिए काफ़ी अच्छी बस हो सकती है। और इसका जो छोटा वेरिएंट है, ये देखिए, ये 12 मीटर बस है आइशर की, फुल्ली बिल्ड स्लीपर बस जो है, आपको इसमें भी ऐसा ऑप्शन मिलता है। 30 स्लीपर बर्थ में आती है, और इस पर 36 स्लीपर बर्थ की बस बन सकती है। रियर ओवर हैंग को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, मतलब इसका जो व्हील बेस है उसे भी इम्प्रोवाइज किया गया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रियर ओवर हैंग होगा तो गाड़ी मतलब ऐसा टायर ज़्यादा खाती है, ऐसा बोलते हैं लोग हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में। बट यहाँ पर एक बात है कि आइशर ने काफ़ी अच्छे से इस बस को बनाया है। इस बस के रियर साइड में आपको मिलते हैं हैलोजन बेस्ड टेल लैंप्स, यहाँ पर रिवर्स लैंप है, यहाँ पर ब्रेक लैंप है, यहाँ पर इंडिकेटर लैंप है। इस बस के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है 425 लीटर्स का बड़ा फ्यूल टैंक। ये पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक है, बेसिकली जो अदर मैन्युफैक्चरर्स है वो इसमें मेटलिक टैंक देते हैं, पर इसमें आपको पॉलीमर फ्यूल टैंक मिलता है, जिसमें रस्टिंग की समस्या नहीं होती है। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर भी दिया गया है डीजल की चोरी को रोकने के लिए। यहाँ पर डीजल फिल्टर है, यहाँ पर इसका यूरिया टैंक है, यहाँ पर इसका आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको ट्रीटमेंट करके ये भेजता है बाहर, जिसकी वजह से गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। बस का एयर इनटेक यहाँ पर मिलता है, और ये जो पाइप आप देख सकते हैं नीचे से, यहाँ पर इसका एयर फिल्टर है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ से एयर जाती है कंबशन प्रोसेस के लिए। चलिए इसके अंदर चलते देखते हैं कैबिन कैसा बनाया है आइशर ने। तो इस प्रकार का जो डैशबोर्ड व्यू है आता है, यहाँ पर 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है, यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर आरपीएम मीटर है, यहाँ पर टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर हिल होल्ड असिस्ट का कंट्रोल है, यहाँ पर रीजनरेशन ऑन, यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ करने का बटन है, यहाँ पर पावर मोड, इको मोड, इको प्लस मोड के कंट्रोल्स है, साथ ही साथ एबीएस का बटन है, हजार्ड लैंप का कंट्रोल है, हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का बटन है, यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच है, और यहाँ पर ओबीडी कनेक्टर पोर्ट दिया गया है। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल और हेडलाइट्स के कंट्रोल, और स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलते हैं वाइपर और एग्जॉस्ट ब्रेक के कंट्रोल। अब जानते हैं इस चेसिस की कीमत के बारे में। इस चेसिस की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट 35 लाख रुपये से लेकर 40 लाख तक हो सकती है। और इस चेसिस पर अगर आप फुल्ली बिल्ट वेरिएंट लेते हो, जैसे कि ये बस आप देख सकते हैं साइड में, ऐसे अगर आप स्लीपर बस लेते हो तो उसकी कीमत ऑलमोस्ट 76 लाख रुपये तक जाती है, जो थोड़ी कॉस्टली है। पर अगर आप इसमें सीटर वेरिएंट भी लेना चाहते हो तो आपको वो 73 लाख रुपये तक जाता है। और ये जो चेसिस है खासकर 13.5 मीटर सेगमेंट में एक नई चेसिस है। पर सबसे बढ़िया बात कि इसमें आपको फ्रंट साइड में भी एयर सस्पेंशन मिलता है। टाटा मोटर्स ने भी अपनी 1822/69 चेसिस लॉन्च किया है, जिसमें आपको रियर एक्सल पर ही एयर सस्पेंशन आता है, फ्रंट एक्सल पर नहीं आता है। पर इसमें आपको फ्रंट साइड में एयर सस्पेंशन ऑप्शन दिया है, साथ ही साथ अशोक लेलैंड के पास TF2513 है, जिसमें भी आपको फ्रंट साइड में एयर सस्पेंशन का ऑप्शन मिलता है। ये थी आइशर की प्रो 6019 बस चेसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।